देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। संभव है कि आपने भी अब तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदा आखिर कहां और किस हालत में है। हम आपको निर्भया के एकमात्र जिंदा बचे नाबालिग दरिंदे को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देने के पीछे की भी पूरी कहानी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ध्यान दीजिए कि हमारा मकसद केवल व्यूज और लाइक्स हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता ने बेटे बेटियों में बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी और वो हमेशा अपने परिवार वालों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आगे बढ़ना जारी रखती है। आगे की पढ़ाई करते हुए वो मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफी अच्छे मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब ये घटना घटी थी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन रविवार था। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान बनाती हैं। अवनिंद्र प्रताप पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन दिनों सिनेमाघरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफी चर्चा थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ तलाश फिल्म देखने का प्लान बनाती हैं और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए पीवीआर सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं। जब ये लोग सिनेमा हॉल तक आते हैं तो वहां काफी भीड़ होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है, इसलिए ये दोनों तलाश फिल्म देखने की बजाय लाइफ ऑफ पाई नाम की फिल्म देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। वैसे तो रात बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी ठंड ज्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम आ रहे थे और जो जा भी रहे थे वो मीटर की बजाय मुंह मांगी कीमत पर जाने की बात कर रहे थे। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें लेकर चलने को तैयार हो जाता है, मगर वो इन दोनों को मुनिरका बस स्टैंड तक ही लाने के लिए राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनिरका से बस लेकर द्वारका तक चले जाएंगे, इसलिए ये दोनों ऑटो से चलकर मुनिरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मुनिरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतजार करते रहते हैं, मगर इन्हें अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सही सवारी नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के लगभग 9:30 बज रहे होते हैं तभी एक सफेद कलर की काले शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहां जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है द्वारका। बस वाला कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी हैं, इसलिए ये दोनों भी निश्चिंत होकर बस में ही बैठ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनिरका से द्वारका तक जाने के लिए किराए के तौर पर 10-10 रुपए भी ले लेता है। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो वो बदतमीजी करने लगता है। बस वालों द्वारा टिकट ना देना उन दिनों कोई नई बात नहीं थी, इसलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर ही बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। मगर किसे मालूम था कि उनका इंतजार बस इंतजार बनकर ही रह जाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूट से हटाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। इस बात का अंदाजा होते ही निर्भया का दोस्त तुरंत बस के अंदर मौजूद लोगों से इस पर सवाल करना शुरू कर देता है। इस सवाल का सही ढंग से जवाब देने की बजाय बस का दूसरा स्टाफ निर्भया के दोस्त के साथ ही बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे थे। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे
तब इन लोगों ने देखा था कि 3 बस स्टाफ के अलावा 3 लोग पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें लगता है कि वो तीनों पैसेंजर ही हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद साफ हो जाता है कि वो तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टाफ के ही साथी हैं। अब ये सभी 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उकसाना शुरू कर देते हैं। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर मौजूद भी सभी उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो निर्भया के दोस्त को लात घूसों से मारते हैं और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रॉड निकालता है और उसके सर पर दे मारता है। इस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। निर्भया के दोस्त को मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का बेहोश हो गया है तो अब ये सभी निर्भया को खींचते हुए बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं। अब यहां जो कुछ भी निर्भया के साथ होता है उसे हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती रहती है। ये सिलसिला 2.5 घंटे तक चलता रहता है। इस दौरान बस के बगल से कई बार पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। बस खुद भी कई थानों के बगल से गुजरती है मगर कोई भी इस बस को रोकता नहीं है और बारी बारी से बस के अंदर मौजूद सभी 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं। चूंकि निर्भया का दोस्त सर पर हुए लोहे की रॉड की वार की वजह से बेहोश हो गया था इसलिए वो निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना अकेले निर्भया के लिए संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन दरिंदों के साथ लड़ती है और बाद में हुए खुलासे के मुताबिक 3 में से 6 दरिंदों पर वो कई वार करती है और कईयों को वो काट कर बचने की भी कोशिश करती है मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंक कर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए इसलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सर पर दोबारा लोहे की रॉड से वार किया जाता है और फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक दिया जाता है। बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े भी वो दरिंदे उतार लेते हैं और इनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरे सभी सामान लूट लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की थी मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंके जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त कुछ होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है मगर काफी लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंत बाहर निकल चुकी थी, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए देश दुनिया में भी फैलनी शुरू हो जाती है और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं मगर निर्भया की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। यहां तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर की एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बावजूद निर्भया की स्थिति नहीं संभलती है बल्कि उसके शरीर का तापमान बढ़कर 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है
यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बुरी तरीके से बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हुजूम निर्भया के लिए आवाज बुलंद कर रहा था, तो उधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसी के बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है, मगर यहां आते ही निर्भया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। निर्भया की मौत के बाद उसके शव को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था, उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इस घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह था जो राजस्थान का रहने वाला था। इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था जो एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर था। इसके अलावा 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि 6 अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का था और कानूनी हिसाब से वो एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के एक 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन लोगों की कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले थे। ये सभी मिलकर बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीज बस में भर लेते हैं और शिकार की तलाश में बस लेकर निकल जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल के रमाधीर सिंह नाम के एक कॉरपोरेटर को पैसेंजर बनाकर पहले बस में बैठाया और फिर उससे पैसे और मोबाइल लूटकर उतार दिया था। रमाधीर सिंह इस लूट की जानकारी पास से गुजर रहे पुलिस वाले को भी देते हैं, मगर वो पुलिस वाले रामाधीर सिंह की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद उस समय पुलिस वाले रामाधीर सिंह की कंप्लेन को सीरियसली ले लेते तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर निर्भया का दोस्त उन सभी 6 अपराधियों की पहचान कर लेता है। फिर इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू होती है। मामले की सुनवाई चल ही रही होती है कि 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपियों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी 4 को मौत की सजा सुना दी जाती है। ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बावजूद ये अपराधी एक के बाद एक अपने सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पेटिशन रिजेक्ट कर दी जाती है
और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। फिर एक का क्या हुआ? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया, इस केस का एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते समय नाबालिग था। इस कारण उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है, ताकि वो बतौर टेलर काम करके अपनी जिंदगी गुजारे। फिलहाल अफरोज कहां रह रहा है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। इस पर क्या ही कहा जाए। एक दावा यह भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई भी जानना जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। यहां तक कि जब एनडीए सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया तब भी इस प्रावधान को हटाया नहीं गया। इस कारण ही निर्भया के 6ठे और एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद और कथित तौर पर सिलाई मशीन दी गई थी। हम यहां कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सही जानकारी दे रहे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि कथित तौर पर निर्भया के साथ सबसे ज्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और इसे ही छोड़ दिया गया। एक और बात आप भी शायद जानते होंगे, दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती है और कई महीनों तक किसी को निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह यह थी कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की असल पहचान जाहिर करना गैरकानूनी है। इस कारण इस लड़की को तब मीडिया ने निर्भया और दामिनी जैसे नाम दिए थे। मगर कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता या परिवार वाले चाहें तो वो अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया में बयान दिया कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसकी पहचान छिपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से दरिंदों से मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का असल नाम बताया था। हमारी इस कहानी की निर्भया का असल नाम ज्योति सिंह था। इस कामना के साथ कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले, हम कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार देश में बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।